राइट पे, और अभी मैं पहुंच गई हूँ डीडी हाथ। तो यहाँ चल रहा है डीडी हाथ महोत्सव और मेरे साथ है पीछे डीडी हाथ वाले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूँ राइडर नॉनी और मैं हूँ मेरी ऑल उत्तराखंड राइड में। और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है नेपाल से। जी हाँ, तो मैं हूँ अभी नेपाल में और मैं आपको यहाँ की नेपाल की गाड़ी भी दिखा देती हूँ। तो ये है रॉयल पस्ती और माँ ज 26 कुछ अजीब सा यहाँ का नंबर है। आमा बुबा को आशीर्वाद। अच्छा, तो आमा और बुबा का आशीर्वाद ऐसा गाड़ी में लिखा है। और मैं आपको नेपाल की सीमा से खड़े होकर एक बार आप इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये है संगम स्थान और अभी ये जगह है इंडिया की जौलजीबी। तो यहाँ पे काली और गोरी नदी का संगम स्थान है और यहाँ से ही जो ये नदी है वो महाकाली बन जाती है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि मैं अचानक से नेपाल कैसे पहुंच गई। तो अभी मैं आई थी जौलजीबी और जौलजीबी से नदी पार जो है वो है नेपाल। सामने जस्ट वहाँ पे एक पुल है, आई थिंक वो इधर ये कैमरे में आएगा नहीं शायद। एक ब्रिज है जो पूरा नेपाल और इंडिया को जोड़ता है। तो मैं ब्रिज को पार करके पहुंच गई नेपाल और बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि पहला मेरा विदेश यात्रा यहाँ पे हो गई है उत्तराखंड राइड के दौरान ही। धारचूला से मैं जौलजीबी की तरफ आ रही थी और दो अपने भाई लोग मिले मुझे यहाँ पे और ये हुकुम से भी मिले और साथ में हम लोगों का प्लान बना कि चलते हैं नेपाल। तो इस तरीके से जो अपनी पहली विदेश यात्रा है ये हो गई है। और अभी मैं देखती हूँ कि नेपाल के बारे में मुझे क्या क्या जानने को मिलता है। यहाँ का मार्केट भी विजिट करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ नेपाल के बारे में। तो अभी यहाँ के मार्केट के बारे में एक चीज पता चली कि जो यहाँ पे अल्कोहल का मार्केटिंग है वो ओपन रहता है, जैसे कि इंडिया में ये लीगल नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइन शॉप है और खुले आम, मतलब लाइक कोई भी वाइन ले सकता है। तो थोड़ा इंडिया में ये चीज का अलग हिसाब है। पकौड़े कैसे देते हैं, कितने का पकौड़ा, कितने का? 30 रुपए का एक पकौड़ा कर दीजिए और एक हाफ नूडल और एक मुझे बॉयल एग दे दीजिए। हाफ चाउमीन कितने की बोल रहे हो आप? 40 रुपीज की। तो 40 रुपीज की चाउमीन है और 10 रुपए का ही बॉयल एग है। तो रेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन रेट और नेपाल का रेट। तो यहाँ पे पकौड़े आ गए और ये हुकुम अपना अंडा खा रहा है, नेपाल का अंडा। तो इसकी भी किस्मत इतनी अच्छी रही कि ये विदेश यात्रा कर रहा है, नेपाली अंडा इसे खाने को मिल रहा है। तो ये है नेपाल बॉर्डर और ऊपर लिखा है शुभ यात्रा पुनः आगमन को अपेक्षा गर्दे छो। तो यहाँ से अपनी नेपाल की सीमा खत्म होती है और एक ब्रिज पड़ेगा तो वो जाएगा सीधे इंडिया को। तो इस तरीके से ये रही मेरी नेपाल यात्रा और ये है सीमा के मार्केट। और यहाँ पे मैंने कपड़ों के रेट जानने की कोशिश करी बट क्या कर रहे हो ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़ों के रेट जाने की कोशिश करी और कपड़ों का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। और अभी अपने एक नेपाल के भाई मिले हैं। हेलो, रामरो छो? मैं रामरो छु। आप यहीं के हो? नेपाल के? मैं नेपाल के। क्या नाम है आपका? मेरा आइस धामी। आइस धामी? या इतना सोच के कौन बोलता है अपना नाम? वो तो आप कहाँ के है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ? देहरादून। देहरादून? देहरादून से आए हो? जी। चलो ओके भाई। ओके थैंक यू। थैंक यू। तो नेपाल के अपने भाई मिले थे और अभी मैं चलती हूँ सीमा पार इंडिया की तरफ। तो ये है ब्रिज और जो जा रहा है नेपाल से इंडिया की तरफ को। पहले राइड शुरू करते हैं आज की हर बार की तरह भोलेनाथ के नाम के साथ। तो हर हर महादेव, होप फॉर अ गुड डे एंड गुड राइड। और आज मोटो व्लॉगिंग का बिल्कुल मूड नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी जहाँ जहाँ मैं रुकूँ मैं वहाँ पे व्लॉगिंग करूंगी। जौलजीबी से नेपाल जाने का एक्सपीरियंस था ये एकदम धांसू था, मतलब बहुत सही था कि उत्तराखंड से ही उत्तराखंड में रहते हुए मेरे को एक दूसरे देश में जाने का मौका मिला। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज थी। और नेपाल बॉर्डर वाली जगह ना बहुत जगह थी, पीछे धारचूला में भी मिले था बट वहाँ पे जाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जौलजीबी से ही जाऊंगी। डीडी हाट और हुकुम को बाहर निकलना था, इसको भी घुमा दिया है। और अपनी इंस्टा फैमिली के एक मेंबर मुझे मिले हैं, उनका यहाँ पे एक अपना रेस्टोरेंट है चाह का होटल और बाबा केदारनाथ नाम से इनका होटल है। तो ये मुझे मिल गए, मैं जैसे यहाँ से गुजरी थी और उन्होंने मुझे पहचान लिया और आवाज़ लगाई। तो अभी अंदर चलते हैं और कुछ चाय वाय पीते हैं और हुकुम हाई कर रहा है। तो अभी सर मिले मुझे, आप अपना आपका शुभ नाम? देवराज कपिलम। देवराज कपिलम। अच्छा, तो देवराज जी मुझे मिले हैं और इन्होंने यहाँ सडनली, मैं ऐसी 2 मिनट के लिए रुकी थी, इन्होंने मुझे पहचान लिया
और इसका हल्ला हल्ला जी। हाँ मैम, और ये झाकुट और देवा के नाम से फेमस रेस्टोरेंट, और मैम आप लोगों को फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और थैंक यू सो मच। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे लगा नहीं था डीडी हार्ट से मुझे कोई मिलेगा, तो बट एंट्री करते ही मिल गए मुझे देवराज जी, तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर उन्होंने हमें यहाँ पर रोका, और रुकूम और मैं अभी हम यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर आगे चलेंगे। और यहाँ पे सुनने में आया कि डीडी हाट में महोत्सव भी लगा है, मतलब मेला जैसे जॉलजीबी में लगा था, तो उसको भी विजिट करेंगे। खाना भी हमने खा लिया है और मैं हूँ अभी देवराज जी के वहाँ, तो जिनसे भी मैंने आपको मिलवाया था उन्होंने मुझे अपने घर में इन्वाइट किया और आज मैं उनके घर पर स्टे कर रही हूँ। और हम लोगों ने खाना खा लिया है और इसके बाद जाऊंगी मैं डीडी हाट महोत्सव। तो ठंडियों के टाइम पे पहाड़ों में अक्सर सर्दोत्सव होते हैं और डीडी हाट में भी कुछ मेला टाइप का चल रहा है, तो अभी हम इसके बाद चलेंगे डीडी हाट महोत्सव में। तो अभी हम आ गए हैं डीडी हाट के मार्केट में और यहीं पे पास में लगाया है मेला, और मेरे साथ है देवराज भाई जो आगे गाड़ी चला रहे हैं, तो इनको फॉलो करते करते मैं पहुँच गई हूँ मेले में। और काफ़ी भीड़ है, छोटी सी जगह है, और रात को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुत नमस्ते, और हमारे बीच जो मुख्य अतिथि है इनको मेरा बहुत प्रणाम, और कार्यक्रम को जो लोग भी मैनेज कर रहे हैं हर किसी को नमस्ते। मैं हूँ राइडर नोनी, और इस स्टेज में आने का मेरा मकसद ये था कि आजकल मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बना रही हूँ और मेरी ऑल उत्तराखंड राइड चल रही है, और देहरादून से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था, और आज मैं बाई लक बोलूँगी कि डीडी हाट पहुँच गई और आपके शहर में मुझे ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला। तो इस स्टेज में आने के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, और सोशल मीडिया में कई सारे लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जिला पिथौरागढ़ इसमें आ गया है, सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और एक और मैं बात बोलना चाहूँगी कि वैसे तो उत्तराखंड किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, और उसमें स्पेशली पिथौरागढ़, तो लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। मैं खुद बाइक चला के पूरा सफ़र कर रही हूँ और यहाँ पर पहुँची हूँ, तो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और अपने जो युवा जनता जितने भी लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है वो। तो एक छोटी सी टिप मैं लेना चाहूँगी क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोगों का प्यार। तो हेलो मित्रों, मैं हूँ राइडर नोनी और मैं हूँ मेरी ऑल उत्तराखंड राइड पे, और अभी मैं पहुँच गई हूँ डीडी हाट, तो यहाँ चल रहा है डीडी हाट महोत्सव, और मेरे साथ है पीछे डीडी हाट वाले, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंक यू सो मच हर किसी का इतना प्यार मुझे देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, और विश करिए कि मैं बहुत आगे जाऊं और अपने पिथौरागढ़ उत्तराखंड और इंडिया का नाम और आगे करूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू राइडर लोनी जी, दोस्तों ये मेरे लिए एक है बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस कि मुझे मौका मिला डीडी हाट महोत्सव में, और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। का YouTube चैनल, Instagram पे आप लगातार फेमस हुए, तो